यहाँ तक कि लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इतने शातिर, इतने चालाक होते हैं। ऐसी है ये, राइट आंटी? लेकिन आपने इतना कम क्यों बोला? हमने कहा ना, हम इस तरह से किसी की बुराई नहीं करते, पर टास्क था इसलिए इतना बोल दिया। अब हमने सही बोला है या गलत, इसका फैसला लक्ष्मी कर सकती है। क्या हुआ लक्ष्मी, चुप क्यों? तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? क्या बोलेगी, इसे तो सब सच पता है ना, और इसकी खामोशी ने ना सब कुछ कह दिया। अभी नहीं, तमाशा होगा। लक्ष्मी खुद इतनी मजबूत है कि वक्त आने पर वो बोलेगी भी और सबको सबके सवालों के जवाब भी देगी। मेरी बेटी अकेली है वहाँ। अकेली? अकेली कहाँ है? वो देख। साथ हूँ मैं तुम्हारे। मम्मी आप क्या कह रही हैं? आपने जो कुछ भी कहा है वो सही नहीं है, लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं बिल्कुल भी। Really? टास्क था ऋषि, हमें टास्क में बुराई करनी थी लक्ष्मी की, हमने कर दी। पर वैसे भी तुम्हारी नजरों से देखें तो लक्ष्मी की सिर्फ अच्छाई करनी पड़ेगी। हम मॉम, ऐसा मैंने नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं होती हर बात ऋषि, तुम तो इसीलिए चाहते भी नहीं थे ना कि ये टास्क हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि लक्ष्मी की बुराई की जाए। नहीं मॉम, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं ये इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपके और लक्ष्मी के बीच में दूरियां बढ़ जाएं। दूरियां? दूरियां तब बढ़ती हैं ऋषि जब नजदीकियां हुई हो। एनीवेज, हमें जो लगा, हमने जो समझा, हमने वो बोल दिया लक्ष्मी के बारे में। दैट्स इट। ओके मिस लक्ष्मी, अब आपकी बारी है। आपको बुराई करनी है नीलम मैम की। खेल बराबर का होना चाहिए। वैसे तो लक्ष्मी अपने बड़ों की बुराई कभी करेगी नहीं, और ये तो खेल है। वैसे भी लक्ष्मी का बोलना तो बनता ही है। अब कमॉन लक्ष्मी, ज़्यादा चक्कर आ रहा है भानी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थैंक यू, दी जूस भी। शुक्र है, दीने जूस तो पी लिया, वो ठीक हो गया। पर ये मलिष्का, ये क्या ड्रामा कर रही है? बोल रही है सबके सामने जीजू से किस करवाओगी। ये छोटी बात थोड़ी होती है, कितनी बड़ी बात होती है किसी को किस करना। और इसका क्या मतलब है? जीजू, जीजू क्या मलिष्का से प्यार करते? दी से प्यार नहीं, नहीं शालू, तुझे भी बताया कि जीजू सिर्फ और सिर्फ दी से ही प्यार करता है। जरूर ये मलिष्का की कोई साजिश होगी। और अब समझ में आया, दी शायद इस वजह से ही परेशान है, इस वजह से ही सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि दी भी तो प्यार करती है ना जीजू से, भले वो बोलती नहीं है किसी को। मैं क्या करूं, कैसे ये मरिष्का को रोकूं? प्लीज प्लीज बाबा जी, कोई चमत्कार दिखा दो और ये मरिष्का को रोक दो। अगर जीत होनी है तो दी और जीजू के प्यार की होनी है। प्लीज प्लीज बाबा जी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो, प्लीज। थैंक यू सो मच कि आज हमारे स्पेशल डे पर आप सब आए हैं, और इस स्पेशल डे को अब हम और भी यादगार बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम एक सरप्राइज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उस सरप्राइज के बारे में ऋचा ने अभी अभी बताया ही था, और अनाउंसमेंट हमारे बेटे के लिए है, ऋषि के लिए।
आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ जगह जगह ऋषि और मलिष्का दिखाई दे रहे हैं, दिल में भी। इससे साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं, और आज तो दिन भी प्यार करने वालों का है। तो आज के दिन हम ये स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये अभय को भी अभी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, पहले कॉल्स पर थे और अब चले गए। यहाँ होते तो देख के कितना खुश होते। ऋषि, मलिष्का, कम। वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो प्यार करते हैं, और वो और भी लकी होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। और ऐसे ही एक लकी कपल है ऋषि और मलिष्का। इन दोनों ने सिर्फ प्यार नहीं किया है, अब ये दोनों एक भी होने वाले हैं। आज ये स्पेशल अनाउंसमेंट हम सबके सामने कर रहे हैं कि एक महीने में ये दोनों मिसेज एंड मिस्टर ऋषि ओबेरॉय बन जाएंगे। क्या ऋषि, किसी तो मांग रही हूँ, और अब तो ऑफिशियली आंटी ने अनाउंस भी कर दिया कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। सब प्रॉब्लम क्या है, कर दो ना। कि सब तुमने मुझे प्रॉमिस किया था रे, एंड आई नो तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। मनीषा देखो, मनीषा एक्चुअली मैं किस नहीं कर सकता। क्यों? एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या हो गया? और हम कोई गवार लोग थोड़ी ना, हम गांव से नहीं आए हैं, वी आर मॉडर्न पीपल। और यहाँ जितने भी गेस्ट हैं वो सब हमारे लेवल के हैं, दे आर ऑल फाइन विद इट, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और देखो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम क्या चाहते हो? मैं लक्ष्मी को यहाँ बुलाऊँ, उससे पूछवाऊँ कि तुमने प्रॉमिस किया था या नहीं किया था? उसे एम्बैरेस करना चाहते हो, तुम अनकंफर्टेबल करना चाहते हो? नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कर रहे हो तुम। कितनी बार बोलना पड़ रहा है किसके लिए? क्या हो गया बेबी? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब किस देने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे दिल नहीं आया इस पे, जबरदस्त कोशिश है इसमें, मक्खन मुलायम एकदम ऐसी हो रही मलाई जैसी, जो हार लाओ तो बस फिसल जाएगा आदमी एकदम। ना बल्लू, काबू रख ले खुद पे। कैसे रखूं काबू, मेरी लक्ष्मी मेरे सामने, बस एक बार छू लूं इसे। आयुष, आयुष कुछ करो ना। क्या मैं अभी? क्या यहीं पर? अभी तो शालू बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। आयुष प्लीज रोको ना, ये सब क्या हो रहा है? पानी, मैं कैसे रोकूंगा यार, मेरे हाथ में नहीं है अब सब कुछ, बात बात आगे बढ़ गई है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ यार, मैं कैसे रोकूं? एक काम करो, भगवान भगवान से प्रे करो, अरदास लगाओ, क्या पता कोई मैजिक हो जाए। क्या बाबा जी, आपसे अरदास लगाइए, प्लीज मेरी अरदास पूरी करना बाबा जी, प्लीज मनीषा की विश नहीं। लक्ष्मी प्लीज 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 लक्ष्मी प्लीज लक्ष्मी लक्ष्मी कुछ नहीं होगा। आयुष ऊपर तो कोई भी नहीं। आयुष लक्ष्मी की दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है। क्या? अरे अटैक आ रहा है, कोई सीपीआर दो इन्हें। सीपीआर सीपीआर ऋषि भाई, सीपीआर 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 सीपीआर। भाभी प्लीज कह रहा, प्लीज भाभी। लक्ष्मी लक्ष्मी प्लीज आके खोले, लक्ष्मी अरे सांस दो मुंह से।
लक्ष्मी कोशिश कीजिए भाभी प्लीज भाभी प्लीज मत बंद करने लक्ष्मी भाभी आपस में बेहोश क्यों हो गए उठा उठा चौक चौक से रखते कुछ नहीं होगा लक्ष्मी कुछ नहीं होने दूंगा मैं कुछ नहीं होने दूंगा आज मॉम डैड आप लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे क्या नहीं बोल सकते ना आप लोग क्योंकि आप लोग भी शौक में हो और ये जो शौक है ना वो रियल वाला शौक है लक्ष्मी की तरह फेक नहीं है फेक मतलब ये तुम क्या बोल रही हो सोनिया कहना क्या चाहते हो तुम सोनिया मॉम कहना क्या चाहते हैं हम आर यू फॉर रियल अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा तभी तो पूछ रही हूँ करिश्मा मॉम लक्ष्मी एकदम ठीक है शी इज एब्सोल्युटली फाइन और आप लोग शॉक में हैं क्योंकि ऋषि ने ऐसा किया बट लक्ष्मी किस बात से शॉक में है और ऐसा क्या हो गया उसके साथ जो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई ऐसा क्या खा पी लिया उसने बताइए ये तो लक्ष्मी को ही पता होगा उसे पूछेंगे तभी तो कुछ दैट्स द पॉइंट दादी यही तो बात है उसी को पता होगा क्यों क्योंकि ये सारी चीजें ना उसकी प्लानिंग है प्लान्ड है ये चाल है उसका नाटक कर रही है वो सोनिया एग्जैक्टली भाई लक्ष्मी ये नाटक इसलिए कर रही थी कि वो मलिष्का का वैलेंटाइन बिगाड़ दे और देखिए आपने अनाउंस किया ना भाभी मलिष्का और ऋषि की शादी को तो बस उसी का बदला ले लिया उसने एग्जैक्टली एक नंबर की चालबाज है चुप रहो तुम दोनों अरे क्या समझते हो तुम लोग लक्ष्मी को और समझते ही कितना हो जो इतने बड़े बड़े इल्जाम थोप देते हो उस पर बोलो जो बोलना है बोलो लेकिन बोलने से पहले उसे अच्छे से समझ तो लो वरना उसके बारे में बात करना बंद कर दो रियली मॉम एंड देन अगर बात करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या वो वापस घर चली जाएगी क्या ड्रामे तमाशे बंद हो जाएंगे क्या लगता है आपको एंड मॉम प्लीज आप तो उसे समझती नहीं है और आप जो समझती है ना वो है ही नहीं वो गलत है आप उसे अच्छा समझती है लेकिन वो वैसी है ही नहीं बुआ ये क्या बोल रही हैं आप क्यों और कितने प्रूफ चाहिए तुम्हें हाँ देविका आज तक जो जो उस लक्ष्मी ने किया है उन सबको तुम्हें गिराना पड़ेगा क्या और आज इतना इंपॉर्टेंट डे था मलिष्का और ऋषि भाई की लाइफ के लिए बट क्या हुआ एग्जैक्टली सोनिया और लक्ष्मी से ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ ऋषि और मलिष्का अपनी लाइफ के मेमोरेबल मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे और देखो लक्ष्मी ने कांड कर दिया सब खराब कर दिया और पता है मलिष्का ने मुझे बताया था कि लक्ष्मी को ये बात पता थी कि ऋषि और मलिष्का एक साथ सोनल प्लीज ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है तुम बीच में मत बोलो तुम्हारा कोई हक नहीं है एक्सक्यूज मी सही कह रही है देविका ये परिवार का मामला है तुम्हारा बीच में बोलना ठीक नहीं है अच्छा लेकिन मैं तो बोल सकती हूँ ना आखिर मेरी बेटी की बात है और मुझे समझ नहीं आता कि ऋषि लक्ष्मी के पीछे पड़ा क्यों रहता है पहले तो वो उसे घर ले आया और फिर उसके बाद उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है वो लक्ष्मी की हालत देखी थी किरण वो उसे बचा रहा था कोई क्यों और लोग नहीं थे क्या वहाँ पर उसकी बहने नहीं थी वो क्या नाम है उसका शालू और अदर वुमन बानी और चाची भी थी ना वहाँ पर चाची बचा सकती थी ना ये हर समय ऋषि को ही क्यों बचाना होता है उसे क्योंकि किरण ऋषि इस घर का बड़ा बेटा है मेरे बाद इस घर की इस परिवार की जिम्मेदारी उसकी है एंड नॉट ओनली घर परिवार ये संस्कार है जो हमने उसे दिए हैं अगर लक्ष्मी की जगह तुम्हारी मलिष्का होती तो भी ऋषि उसे छोड़कर कभी नहीं जाता रियली भाई साहब गिनवाओ में कब कब और किन किन हालातों में ऋषि ने मलिष्का को अकेला छोड़ा है किरण प्लीज
बात को कहीं और बदले जा रहा है। आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ मैं भाई साहब। मेरी बेटी है वो, उसकी चिंता है मुझे, उसके आंसू उसके दुख मैंने देखे हैं। और सबसे बड़ी बात, बाकी लोगों की तरह मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। ऐसे ही ऋषि भी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। लक्ष्मी की जगह अगर कोई और भी होता तो वो यही करता, मदद करता, जान बचाता। और जान बचाने से बढ़कर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता है। गालियां दो, सब माफ है हाँ? और भाई साहब आप तो इतना बड़ा बिजनेस चलाते हो, आप ही बताइए लक्ष्मी के साथ जो कुछ भी हुआ इस घर में, अगर वो चाहती तो क्या कुछ नहीं कर सकती थी? और ये सब लोग उसको धोखेबाज, चालबाज, पता नहीं क्या क्या टेल रहे। इतना कुछ गलत होने के बाद अगर वो चाहती तो सिर्फ एक कंप्लेन करती ना, सिर्फ एक, और आप सब लोग होते जेल के अंदर। हे यू शट अप, अपने जैसे मत समझो हमें, जो हम जेल में बैठे होते। और लक्ष्मी क्या हमें जेल में डाल देती, हम उसे जेल में डलवा देते। अरे कोई टच करके तो दिखाए मेरी लक्ष्मी को, फायर लगा दूंगी मैं, फायर। इतनी उंगलियां अप करवाऊंगी ना, इतनी गालियां दिलवाऊंगी कि ओबरे खानदान की इज्जत जल के खाक हो जाएगी। ओह प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट, अपनी बकवास बंद करो। ओ, तो अंग्रेजी की दुकान। बस बस करो, सब शांत हो जाओ, शांत। जिस बात को लेकर इतना तमाशा खड़ा कर रहे हो ना, आज मैं उस बात को जड़ से ही खत्म कर दूंगी। लक्ष्मी नाटक कर रही थी ना, आज चाल चल रही थी ना, तो ठीक है, अगर तुम लोगों की बात सच साबित हुई तो मैं खुद उसे इस घर से निकालूंगी बाहर। और अगर तुम सब लोग झूठे साबित हुए ना, तो तुम सब कौन सी सजा भुगतना पसंद करोगे? देखा भाभी, ये करती है ये लक्ष्मी, पहले आपको और वीर भाई को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, और आज आपको मॉम से लड़वा दिया। कौन कौन से खेल खेलती है, पता नहीं क्या प्लानिंग करती है। हम तो इतने आगे तक सोच भी नहीं सकते भाभी, उतना आगे वो सोच लेती है और कर भी लेती है। आई एम टेलिंग यू, हम सबकी बर्बादी की वजह सिर्फ वो है, लक्ष्मी। पर अब और नहीं करिश्मा, इस बार उसका सच सामने आने दो, फिर हम उसका ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ऐसा जवाब देंगे उसको कि जिंदगी भर ये खेल वो किसी के साथ नहीं खेल पाएगी। बस इस बार उसका सच सामने आने दो, फिर उसे पता चलेगा कि नीलम ओबरॉय का गुस्सा कैसा होता है। I'm sorry, don't mind me saying this, but तब से आप सब लक्ष्मी के बारे में बोले जा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पूरे प्लान में ऋषि भी शामिल हो। तुमने समझा? तुमने समझा मेरा प्यार, मेरा सैक्रिफाइस तुमने समझा क्या? नहीं ना। और यहाँ मेरे प्यार पे शक कर रहे हो तुम? लक्ष्मी, मान लक्ष्मी तुम्हारे साथ एक रूम में रह के एक बेड शेयर करके कुछ नहीं किया उसने, हाँ कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो किया ना ऋषि, मेरे साथ किया, वो सब कुछ किया। जो भी तुमने मेरे साथ किया ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ भी नहीं करती। और तुम कहते हो मैं तुम्हें नहीं समझती, अरे मैं ही तो समझती हूँ ना तुम्हें, यू डैम इट, यू आर एन इमोशनल फूल, आई नो इट, मैं समझती हूँ तुम्हें, मैं। लेकिन तुम, क्या तुम समझते हो मुझे? नहीं, तुम मुझे समझते ही नहीं हो ऋषि। मलिष्का प्लीज मत, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं जो तुमसे मुझे प्यार है, क्या करूं कि मैं पोजेसिव हो जाती हूं, कंट्रोल नहीं रहता मुझे, हो जाती हूं मैं सेल्फिश, मेरी गलती, मैं हो जाती हूं सेल्फिश, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं ऋषि, क्यों करती हूं मैं तुमसे इतना प्यार, क्यों करती हूं, क्यों करती हूं, क्यों मलिष्का, क्यों करती हूं मैं तुमसे इतना प्यार, क्यों मलिष्का, तुम मेरे प्यार में सके और मैं तुम क्यों करती हूं? मलिष्का रिलैक्स प्लीज, प्लीज मत रो। मलिष्का मैं तुम्हारे प्यार पे शक नहीं कर रहा, प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे मलिष्का, प्लीज। तुम्हें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी के साथ मैं ऐसा कुछ करता? नहीं मलिष्का, अगर इस सिचुएशन में कोई भी इंसान होता तो मैं उसके साथ यही करता, उसकी जान बचाने के लिए करना पड़ता मुझे मलिष्का, कोई और ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पे इस सिचुएशन में लक्ष्मी की जान बचाने के अलावा, उसकी जिंदगी बचाने के अलावा कोई और मतलब नहीं था मेरा, प्लीज मलिष्का ट्रस्ट मी। जान बचा रहे थे ना उसकी, आई नाई बिलीव यू, लेकिन नाउ व्हाट, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना, तो मुझे किस कर रहे, मैं
प्रॉब्लम क्या थी तुम्हें? क्या प्रॉब्लम थी ना? मैंने एक किस मांगी थी, एक किस की तो मांगनी थी ना, क्या प्रॉब्लम थी बोलो? अब क्या प्रॉब्लम है? जब वो यहाँ है ही नहीं, तुम उसकी शादी कराना चाहते हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है हम दोनों के बीच में ऋषि? ठीक है, अब मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, मुझे हमारा ये मोमेंट मेमोरेबल बनाना है। और अब तो मुझे किस कर दो बस। मलिष्का क्यों जिद कर रही हो? क्यों? ये सारी चीजें प्यार से होती हैं। आई मीन मौका होता है, दिल होता है, वक्त होता है मलिष्का, प्लीज इसलिए ये सारी चीजें फोर्स मत करो मुझ पर। और मलिष्का मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शादी तुमसे ही कर रहा हूं, इसलिए लक्ष्मी को लेके ये सब मत सोचो। मलिष्का मैं शादी कर रहा हूं तुमसे और लक्ष्मी की शादी करवा रहा हूं, डिफरेंस समझो प्लीज। ये बात अपने दिल में और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह लिख लो। ये बात ना तुम याद रखो ऋषि, मुझे तो याद है अच्छे से, लेकिन शायद तुम भूल जाते हो। बाय बाय। भाई उस दी के रूम में वो लड़का कौन था? पता नहीं यार शालू, जब मैं रूम में गया तो ना वो खुद था वहाँ पर, ना कोई क्लू था, सब आई डोंट नो। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है कुछ भी करके। एक मिनट, कहीं वो बलविंदर तो नहीं, मतलब वो पार्टी में तो नहीं आया था, पर क्या पता वो बलविंदर हो? आई डोंट नो, पता नहीं शालू, हो सकता बलविंदर हो सकता ना भी हो, हो सकता वो लड़का हो जो भाभी को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, रिमेम्बर? कोई भी हो सकता है सब। वो भी हो सकता है। आयुष, जो भी गुनेगार है ना, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, ताकि वो दीके से दोबारा ऐसा कभी ना करे। आयुष तुम घर जाओ, ठीक है? सेफली जाना। और सुनो ना, तुम ना दी से बात करना और वो लड़की के बारे में पहचानना, और फिर उसको 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 ना पुलिस स्टेशन में डालना, ताकि वो दोबारा कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे। ओके शालू, यस यस, हो जाएगा शालू, अभी के लिए काम डाउन, तुम जाओ घर, चिल करो आराम से, मैं हूँ भाभी के साथ वहाँ पर। ओके, डोंट वरी। अम्बे तुम हो तो है ना बाबा। बाय। ओके बाय बाय। कि जब कोशिश करते ना तब किया जाता है उसकी जान बचाने के लिए। तो क्या जान बचाई है मैंने तुम्हारी? मुझे पता है तुमने जान बचाई है मेरी, और मेरी जगह कोई भी और लड़की होती तो तुम ऐसा ही करते, तुम जान बचाते लोगों की, किसी की भी, मतलब। एग्जैक्टली पर तुमने मेरे साथ क्यों किया? तुम्हारे साथ क्यों किया, क्या मतलब है इसका? तुम्हारे साथ क्यों किया? जब मैं कह रहा हूं मैं ऐसा किसी भी इंसान के साथ करता, तो यहां पे बात तुम्हारी है लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी की, तो तुम्हें मरने देता मैं तुम्हें? इम्पॉसिबल, ऐसा होने नहीं दे सकता था मैं। बस सुन लिया? और मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो कुछ भी मैंने किया ना बिल्कुल सही किया। चलो बंदर आने को। नहीं, तुमने सही किया होगा, लेकिन मैं तो सबकी नजरों में गलत साबित हो गई ना, और मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बातें सुननी पड़ी होंगी इस वजह से, खासकर की मलिष्का से। उसे समझा दूंगा मैं, समझ जाएगी वो। उसने भी गलत समझा ही ना। मलिष्का तो मुझे गलत ही समझ रही है लक्ष्मी, लेकिन तुम हमेशा सही समझती हो ना मुझे, तुम समझती हो मुझे, इसलिए बस प्लीज सही हो जाएगा सब। अब चलो प्लीज। अब नहीं नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है ऋषि, प्लीज। मैं यही कह रही हूँ तुमसे, तुम ये सब जो करते हो, ये सब जो बोलते हो, ये जो भी तुमने किया है, प्लीज ये सब बंद कर दो प्लीज। अब बस हो गया है, मुझे मैं जैसी हूँ ना, मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज, मत करो मेरे लिए ये सब कुछ। और कब तक करोगे तुम? कितना सहन करोगे? कब तक सहन करोगे मेरे लिए? जब तक है जान, जब तक जान है मेरे अंदर, तब तक तुम्हारी जान बचाते रहूंगा, कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। अगर किसी दिन तुम्हारी सांसों को मेरी धड़कन की जरूरत भी पड़ जाए ना, तो वो भी दे दूंगा, प्रॉमिस। नहीं वो किस से मतलब, मैं बस तुम्हें इतना बताना चाह रहा था जो मलिष्का सोच रही है लक्ष्मी, और ये आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। सॉरी मत बोलो ऋषि, पर ऐसे काम भी मत करो जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। इधर देखो, मेरी भी शादी होने वाली किसी और से। हमारे रास्ते अब नहीं मिल सकते, अलग हो चुके तो अब उन्हें मिलाओ भी मत, प्लीज। मलिष्का की हालत मैं समझ सकती हूँ, उसका दुख समझ सकती हूँ,
कि जब कोई अपना प्यार छीन लेता है तो कैसा लगता है। बट प्लीज ऋषि, प्लीज मैं हाथ जोड़ती, प्लीज अब दूर रहो मुझसे, प्लीज। तुमने जो ये नीचे किया है ना, मुझे ऐसे बचाया है, जो भी तुमने किया है मेरी जान बचाने के लिए, उसे मम्मी जी को, उसे नीलम आंटी को भी बहुत दुख हुआ होगा, उन्हें बहुत गुस्सा आया होगा मेरी वजह से। वो तुम्हें डांटेंगे भी, तुम्हें बहुत डांट सुननी पड़ेगी इस वजह से। सुन लूंगा। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम नहीं समझते हो। ये सब करके तुम मुझे दुख देते हो। मुझे दुख होता है जब तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई भी मनमुटाव होता है। मलिष्का इनसिक्योर होती है, उसका कारण मैं हूँ। तुम्हें घर में सबकी बातें सुननी पड़ती है, सबका गुस्सा झेलना पड़ता है, उसका कारण भी मैं हूँ। इसलिए प्लीज, मैंने अब फैसला ले लिया, हम दोनों अब एक दूसरे से दूर रहेंगे। तुम्हें मेरे लिए लड़का ढूंढना है, तुम ढूंढो, लेकिन जल्दी करो और भूल जाओ ये सब कुछ। बेस्ट होना चाहिए, इतनी क्वालिटीज होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तुमसे बेटर चाहिए, नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये बात नहीं मान पाऊंगा तुम्हारी। इस मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा लड़का चाहिए, जो क्वालिटीज मुझे एक लड़के में चाहिए, वो तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। तो क्या वो सारी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर थी, फिर भी मेरी और तुम्हारी तो शादी हुई थी ना? हाँ हुई थी। शादी टिकी? नहीं टिकी। क्यों नहीं टिकी? मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, मेरे अंदर कमियां थी, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, इसे नहीं चली शादी। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। शादी करवाऊंगा, और ऐसी शादी कराऊंगा जो कभी टूटे ना। ठीक है, चलो मैं यहीं खड़ा रहूंगा, क्या आगे बढ़ते हैं? नहीं, नहीं, तुम अंदर मत आओ। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? दूर रहना तुम्हें, ठीक है, दो गज दूरी मेंटेन करूंगा मैं, पास नहीं आऊंगा। ओके, अब अंदर आने। नहीं प्लीज, तुम ऋषि अपने कमरे में जाओ। ऋषि प्लीज अपने कमरे में जाओ, मेरा बहुत सर दुख रहा है, मुझे सोना है। ओके ठीक है, तुम सो जाओ। ऋषि तुम अंदर नहीं आ सकते। अभी तक ऋषि या कोई मुझे पकड़ने तो आए नहीं, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि लक्ष्मी ने मुझे देखा नहीं, उसे पता नहीं चला कि मैं वहां था। पर क्या उखाड़ लिया मैंने माओ के बल्लू, बड़ा बलविंदर सूद बना फिरे। मक्खन था सामने मक्खन, एक उंगली भी नहीं चख पाया मैं उसे। क्या लग रही थी लक्ष्मी, एक नया रूप देखने को मिल गया एकदम, चमकीले से गाउन में, भगवान बेहद खूबसूरत। काश शादी हो जाती बस मेरी लक्ष्मी से। साली किस्मत ही खराब थी, ये पनौती आ गई जिंदगी में। चुड़ैल कहीं की? कुछ कहा आपने? हाँ चुड़ैल कहा तुझे, दिक्कत है कोई? चुड़ैल भी सात घर छोड़ के जाती है, तू भी चली जाए एक घर छोड़ के, मेरे सर पे मंडी के बैठ गई, यहाँ निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्या कह रही, सिर्फ आपका घर है? नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जानेगी? क्योंकि मैं चुड़ैल थोड़ी हूँ जो सात घर छोड़ के जाऊँ, और फिर आप तो मेरे पति हैं। हाँ ये बात भी सही है। तो पति का घर तो अपना घर होता है ना, तो मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सही बात है। तुझे चुड़ैल साला पता नहीं शक्ल में गया, शक्ल देखते मन कर रैपट बजाने शुरू कर दो इसके मुंह पे। अच्छी भली खुशियां चल रही थी, पता नहीं कहाँ से आई मेरी खुशियां भस्म करने के लिए, मंडे के बैठ गई। जब तू बोर हो रही थी, मेरा मतलब है जब तू शालू से फोन पे कह रही थी कि तू बोर हो रही है। हाँ दादी बोर तो हो रही हूँ, क्योंकि कुछ करने के लिए ही नहीं है ना, यहाँ बैठी रहती हूँ। और आपको पता है मुझे आदत नहीं है, मुझे तो आदत है पूरे वक्त काम करते रहने की, बचपन से यही किया है। लेकिन अगर यहाँ कोई काम करने जाती हूँ तो फिर करिश्मा बुआ और नीलम आंटी को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बस बैठी हुई हूँ कि मेरी वजह से बस शांति ना मिटे घर की। सच में यही चाहती है ना, तो फिर एक काम कर, तो जैसे पहले घर का काम करती थी ना, वैसे दोबारा घर का काम करना शुरू कर दे, मैं कह रही हूँ इसलिए। नहीं दादी ये तो सही नहीं होगा ना। क्यों? सब लोग फिर आपसे सवाल पूछेंगे तो। वे, दादी हूँ मैं दादी, किसकी मजाल है जो मुझसे सवाल पूछे। मैं कह रही हूँ ना, अच्छा तो एक काम कर, खाना बनाने की जिम्मेदारी तू ले ले, वैसे भी तेरे हाथ के खाने की आदत पड़ गई है, किसी और के हाथ का खाना ना अच्छा ही नहीं लगता, और जब तू नहीं थी ना मैं भूखी नहीं हूँ ऐसा समझ ले। दादी खाना तो मैं भी बनाना चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों के लिए खाना बनाऊँ और आप सब लोगों को खिलाऊँ। मैं मतलब मुझे अच्छा भी लगता है
लेकिन 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 छोड़, आज खाना तू बनाएगी और खीर खास कर बनाना प्लीज। लेकिन दादी, मैंने कहा ना कि कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा और ना तुझसे कोई सवाल पूछेगा। पक्का कोई झगड़ा नहीं होगा? नहीं होगा। अरे दादी हूँ मैं दादी, वो क्या कहते हैं, मुन्ना दादा के होते हुए कोई हिल नहीं सकता, ऐसे ही दादी के होते हुए कोई मुंह नहीं खोल सकता। बस मैं ना तुझे हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। कि खुशबू नहीं आती है कागज के फूलों से। आहा, क्या है यार तुझे, क्या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट व्हाट, यही गाना मिला तुझे गाने के लिए? यही काम मिला आपको करने के लिए? ऋषि भाई, व्हाट भाई, व्हाट 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 व्हाट, ये क्या देख रहे हो ऋषि भाई? फूल देख रहा हूँ, यू फूल। बट फूल मेड ऑफ कागज मेरे भाई, ये कागज का है, ये असली फूल? क्या इतने बुरे दिन आ गए मेरे भाई के? शट अप भाई, जब कुछ पता नहीं होता ना तो मुंह बंद रखा कर अपना। ऋषि भाई, ये फूल मुझे लक्ष्मी ने दिया, वैलेंटाइन्स गिफ्ट था उसका। इज इट? फिर तो इसमें से पक्का खुशबू आती होगी, लाओ तो शो मी। इसमें से तो खुशबू आ रही है ऋषि भाई, ये खुशबू केयर की है, कंसर्न की, और क्या, रीजनेबिलिटी की, और ये अटैचमेंट की। इट्स वर्किंग। तू शराब पी के आएगा ऋषि भाई? पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है? सब मारूंगा ना आयुष, फूल देकर वापस। कागज के फूलों में से खुशबू आती है क्या? आप देखोगे, एक दिन इसी फूल में से लक्ष्मी भाभी के प्यार की खुशबू आएगी। अरे तू बस कर यार, तू नहीं मानेगा ना, चल खड़ा। ऋषि भाई क्या क्या किया मैंने, ऐसा क्या बोला ऋषि भाई? मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। क्या तू ऑफिस निकल अभी? क्या क्या ऑफिस है? हाँ बस ये पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट तो मैं हंसते खेलते गुजारूंगा ऋषि भाई। आयुष चाय हंसे अभी क्या, मुझे कहीं जाना है। चाय जाना है? जाना आयुष, कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है? ओके ठीक है, फूल में मुझे याद रखना ऋषि भाई, मेरे सॉरी। वेस्टर्न कपड़ों में ज्यादा अच्छी लगती है, अगर साड़ी पहनती तो ये अटकन तो था ही, वेस्टर्न कपड़े पहनती तो क्या अटकता है। मैंने भी तो तुमसे कहा था ना कि मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद ही नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं, क्योंकि साड़ी में तुम बेस्ट दिखती हो, ब्यूटीफुल। खुशबू से तो पता चलता ही है देविका, लेकिन खुशबू से इतना समझ में नहीं आता ना। एक बार ना खाना चख लेना चाहिए, उससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि नमक कम ज्यादा तो नहीं हो गया, या फिर तीखा तो नहीं है, या फिर मसाला अच्छे से पका है या नहीं पका है। खुशबू से इन सब चीजों का थोड़ी ना अंदाजा लगा पाते हैं। खाना बनाने के बाद ना एक बार खाना हमेशा चखना चाहिए।
भाभी आप तो सच्ची जीनियस हो, बहुत स्वाद बनाया है। पक्का कुछ कम ज्यादा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा बनाया, कह रही हूँ ना मैं। चलो अच्छा, मुझे तो पता ही था। मैं तो चाहती हूँ कि आप ही रोज हम सबके लिए खाना बनाओ, लेकिन पता नहीं इस घर में फिर से आपके हाथ का खाना मिले ना मिले। आज आपके हाथ का खाना खा ही लेते। आज के बाद लक्ष्मी खाना नहीं बनाएगी इस घर में। आज मैं इसकी ऐसी हालत करूंगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऋषि को इम्प्रेस करने का बहुत शौक है ना इसे। अब देखना ऋषि इसे देखे। बहुत शौक है मेरे ऋषि को किस करने का, तो करो किस। इसके फोटो निकाल के फेंक दूंगी मैं। ओह नो, ये तो शॉक लग रही है। इसका मतलब उसे सब कुछ सुन लिया है क्या? ये क्या कर रही हैं आप? होंठ सूज जाएंगे, पेन होगा, ये सब बोल रही हैं आप, फिर भी आप ये दवाई इसमें डाल रही हैं। मैं अभी जाके सबको बताती हूँ। खीर बन गई होगी, एक बार जाके चेक कर लेती हूँ। दिखने में तो अच्छी ही लग रही थी, पर फिर भी देख लेती हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए छोड़िए मुझे, छोड़िए। छोड़ दिया हैप्पी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने अपना ये मुंह खोला ना तो सिर्फ यहाँ नौकरी से ही नहीं बल्कि जेल भिजवा दूंगी, समझे तुम? और ऐसे नहीं चोरी के इल्जाम में फिर यहाँ नौकरी दो क्या? तुम्हें इस दुनिया में कोई और नौकरी नहीं देगा। तब बताओ क्या करना चाहती हो? सच बोल के जेल जाना चाहती हो या फिर Finger on your lips. Good, good. ऐसी चुप रहोगी ना तो बची रहोगी, समझी? पर ना ओ गॉड, ये बॉटल तो यहीं पे ही है। नीलम मार्टिन ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वैसे तुम लोगों ने ओपनिंग तो नहीं की ना तिजोरी की? नहीं नहीं चाची, हम क्यों ओपनिंग करेंगे? नहीं नहीं की। हाँ चाची, और अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो फिर आप खुद चल के देख लो। मैं चाबी से खोल के आपको दिखा देती हूँ कि हमने नहीं ओपनिंग की। चलो नहीं नहीं नहीं, अरे रहने दे भानी, भरोसा है मुझे, पूरा भरोसा है तुम लोगों पे। हाँ जरूरत नहीं चेकिंग करने की, बस ऐसा ही भरोसा कीजिए चाची हर बात में। मीनिंग ऐसा ही भरोसा हम दोनों पे हमेशा बनाए रखना आप अपना। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, भरोसा कीपिंग, स्टैंडिंग वाइज, डूइंग वर्क, एक्सटीरियर इंटीरियर डूइंग, डन। हाँ डन, चलो बाहर करो काम। जी चल चल। अनुष्का ये क्या किया तुमने? एक खाने की क्या जरूरत थी? दादी खा लेती उसके बाद ले लेती। दादी कौन सा पूरा बोल खा लेती है? कैसे नहीं पूरी खा जाती, पूरी खा जाती। I'm sorry दादी, मुझसे गलती हो गई, I'm really sorry. Mom, leave it ना, बेगान में इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही है? रहने दीजिए ना आप, हो गया, गलती हो गई, लीव इट। भाई आप ही प्लीज मॉम को समझाइए कि खाना खा ले। माँ आप चिंता ना करें, लक्ष्मी बना देगी ना बाद में। हाँ मैं बना दूंगी, और हो सकता है अगली वाली इससे भी अच्छी बन जाए, है ना? मैं शाम को ही बना दूंगी आपके लिए, अभी आप प्लीज खाना खा लो। पक्का बनाएगी ना? पक्का बना दूंगी। या मैं एक काम करती हूँ ना, मैं अभी बना लेती हूँ। लक्ष्मी पहले खाना खा लो प्लीज, बाद में बना। हाँ शाम को बना देना दादी। I'm sorry again. अरे मलिष्का इट्स ओके, बार बार उस गलती के लिए क्यों सॉरी कह रही हो जो तुमने जानबूझकर नहीं किया? वो तो गलती से हो गया ना तुमसे, इट्स ओके, है ना मम्मी जी? सुहानी
मलिष्का को दो। मेरे लिए? मलिष्का ये हमने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। रियली थैंक यू सो मच मैम। सॉरी आंटी लेकिन मैं ये पी नहीं सकती, मेरी वजह से दादी की फेवरेट चीज गिर गई ना, उसे खा नहीं पाई। कम ऑन मलिष्का, वो एक्सीडेंट था। मॉम प्लीज आप ही समझाइए ना इसे, ये नहीं मानेगी ऐसे। देखिए ना कितनी फिक्र करती है ये सबकी। फिक्र रहती तो मेरी खीर ना गिरती। मॉम चल ठीक है मलिष्का, जो हो गया सो हो गया, पी ले जो भी तेरी फेवरेट ड्रिंक है। देखो अब तो मम्मी जी ने भी कह दिया मलिष्का, अब तो पी लो स्मूदी। जी कैसा लगा? It's really yummy, बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच आंटी।